मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एनएम सेकंड ईयर का सब्जेक्ट मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बंधता इनफर्टिलिटी के बारे में। तो देखिए बंधता परिभाषा प्रकार एवं कारण। देखिए बच्चे न पैदा होने के सभी मामलों में बंधता इनफर्टिलिटी शब्द का प्रयोग करना तर्कसंगत नहीं है। केवल समय पूर्व रजोनिवृत्ति तथा शुक्राणुओं की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण गर्भाधान न होना बंधता की श्रेणी में आता है। बच्चे न पैदा होने के समय सभी जो मामलों में बंधता इनफर्टिलिटी शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, जो है तर्कसंगत नहीं है। केवल समय पूर्व रजोनिवृत्ति तथा शुक्राणुओं की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण गर्भाधान न होना बंधता की श्रेणी में पाया जाता है आता है। बंधता के इनफर्टिलिटी के अधिकतर मामले वास्तव में उपबंध्य सब इनफर्टिलिटी की श्रेणी में आते हैं, जिनमें सात में से एक दंपति जो पहले गर्भाधान कर चुके होते हैं उन्हें भी किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी पड़ सकती है। देखिए परिभाषा डिफिनेशन क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सन 1992 में बंधता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने बंधता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है सन 1992 में किसी दंपत्ति के द्वारा एक वर्ष या उसमें अधिक समय तक बिना गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए नियमित रूप से संभोग क्रिया करने के बावजूद भी गर्भ धारण नहीं कर पाना बंधता इनफर्टिलिटी या उपबंधता सब इनफर्टिलिटी कहलाता है। किसी दंपत्ति के किसी जोड़े के द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए बिना नियमित रूप से संभोग क्रिया करने के बावजूद भी गर्भ धारण न होने पर जो है बंधता होता है इनफर्टिलिटी होता है। इसे उपबंध भी कहते हैं, सब इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। प्रकार टाइप देखिए, बंधता दो प्रकार होती है, इनफर्टिलिटी जो है दो प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट देखिए प्राथमिक बंधता प्राइमरी इनफर्टिलिटी। यदि किसी महिला ने एक बार भी गर्भधारण ना किया हो तो उसे प्राथमिक बंधता प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। यदि किसी महिला ने एक बार भी गर्भधारण ना प्रेग्नेंट ना हुई हो तो उसे प्राथमिक बंधता प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकंड देखिए द्वितीयक बंधता सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यदि कोई महिला एक बार गर्भधारण कर चुकी हो उसके पश्चात एक वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए नियमित रूप से संभोग करने के बावजूद भी गर्भधारण न कर पाना द्वितीयक बंधता सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाता है। यदि कोई महिला एक बार गर्भधारण कर चुकी हो प्रेग्नेंट हो चुकी हो उसके पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक बिना किसी गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग किए नियमित रूप से संभोग करना और उसका प्रेग्नेंट न होना द्वितीयक बंधता सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाता है। तो इसमें आज हम आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बंधता की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब दी थी। ऑप्शन देख लीजिए, सन 1990 में, सन 1990 में, बी ऑप्शन है 1992 में, सी ऑप्शन 1994 में, डी ऑप्शन है 1996 में। तो बंधता की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1992 में दी थी। बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, 1992 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंधता कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन देख लीजिए, इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं, ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है दो, सी ऑप्शन है तीन एंड डी ऑप्शन है चार। तो बंधता जो है इनफर्टिलिटी जो है दो प्रकार की होती है, प्राथमिक इनफर्टिलिटी प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, बंधता दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंधता के लिए पुरुष कितने प्रतिशत जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 30%, डी ऑप्शन है 40%। तो बंधता के लिए जो है पुरुष 30% जिम्मेदार होते हैं, सी ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंधता के लिए महिला कितने प्रतिशत जिम्मेदार होती है। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 30% एंड डी ऑप्शन है 40%। तो बंधता के लिए जो महिला होती है वुमन होती है वह 40% जिम्मेदार होती है, डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, 40% जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुष बंधता के कारण हैं।
ऑप्शन देख लीजिए, दोषयुक्त स्पर्मेटोजेनेसिस, बी ऑप्शन है दोषयुक्त संवहन, सी ऑप्शन है इजेक्यूलेटरी डिसफंक्शन, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी पुरुष बंधता के कारण है। डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है, दोष पुरुष बंधता के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन दी ब्लैंक्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसी दंपत्ति के द्वारा एक वर्ष या इससे अधिक समय तक बिना गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए नियमित रूप से संभोग क्रिया करने के बावजूद भी गर्भ धारण नहीं कर पाना डाट डाट कहलाता है। इसी दंपत्ति के द्वारा एक वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए नियमित रूप से संभोग क्रिया करने के बावजूद भी गर्भ धारण नहीं कर पाना वंधता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, यदि किसी महिला ने एक भी गर्भधारण न किया हो तो उसे वंधता कहते हैं। यदि किसी महिला ने एक भी बार गर्भधारण न किया हो तो उसे प्राथमिक वंधता प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की सामान्य सांद्रता डाट डाट होती है, तो पुरुष के वीर्य में सामान्य सांद्रता जो होती है 20 मिलियन मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, पुरुष के प्रति स्खलन वीर्य में कुल शुक्राणु गणना डाट डाट होती है, तो पुरुष के वीर्य स्खलन में कुल शुक्राणु गणना 40 मिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव, पुरुष शुक्राणु की सामान्य वाइटेलिटी डाट डाट होती है, पुरुष शुक्राणु की सामान्य वाइटेलिटी डाट डाट होती है, तो पुरुष शुक्राणु की सामान्य वाइटेलिटी जो है 75% जीवित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए, राइट ट्रू आर फॉल्स अगेंस्ट द विलो गिवेन स्टेटमेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बीमारियां दोषयुक्त सर्पमेटोजेसिस का कारण बन सकती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की बीमारियां दोषयुक्त सर्पमेटोजेसिस का कारण बन सकती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि कोई महिला एक बार गर्भधारण कर चुकी हो उसके पश्चात एक वर्ष या इससे अधिक समय तक बिना गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए नियमित रूप से संभोग करने के बावजूद भी गर्भ धारण न कर पाना प्राथमिक वंधता कहलाता है, सही है गलत है, तो यह गलत है, यह सेकेंडरी वंधता कहलाता है, द्वितीयक वंधता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज दोषयुक्त डिम्ब क्षरण का कारण बन सकती है, सही है गलत है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जो है दोषयुक्त डिम्ब क्षरण का कारण बन सकती है, सही है। नेक्स्ट, अंडोसर्जन परीक्षण के लिए वेसल बॉडी टेम्परेचर परीक्षण किया जाता है, सही है गलत है, तो अंडोसर्जन परीक्षण के लिए जो है वेसल बॉडी टेम्परेचर परीक्षण किया जाता है, सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरोस्कोपी गर्भाशय संबंधी विकारों का पता करने हेतु किया जाने वाला परीक्षण है, हिस्टेरेस्कोपी जो है गर्भाशय संबंधी विकारों का पता करने हेतु किया जाने वाला परीक्षण है, सही है, राइट है।